जय हिंद, नमस्कार मेरे सैन्य, स्वागत है आप सबको अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी के द्वारा आप कौन कौन से स्पेशल कोर्स में जा सकते हैं इसको लेकर है। लाडो, इस वीडियो की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, जितने भी बच्चे जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे इस बार फिजिकली लिए क्वालिफाई हो गए, उन सबके मन में रहता है कि सर हम एसएससी जीडी से एनएसजी में कैसे जा सकते हैं, एसपीजी में कैसे जा सकते हैं, कोबरा कमांडो कैसे बन सकते हैं, एनडीआरएफ में कैसे जा सकते हैं, आरएफ में कैसे जा सकते हैं, वीआईपी प्रोटेक्शन में कैसे जा सकते हैं। ये मैंने कई वीडियो के नीचे कमेंट्स देखे हैं, आपके मन में भी होगा, तो आज ये सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही आप सबको एक जरूरी सूचना बता दूं, जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं उन सबको बता दूं, एसएससी जीडी के हमारे ऑफलाइन बैच अकेडमी के शुरू हो गए हैं। अगर आपको तैयारी करना, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अकेडमी आ सकते हैं। उसके साथ ही ये बुक एसएससी जीडी 2024 के लिए जो ओल्ड पेपर की बुक है वो लॉन्च कर दी गई है, ये फ्लिपकार्ट और अमेजन से आप ये वाली बुक ले सकते हैं। लाडो, सर्च करना एसएससी जीडी 2024 ओल्ड पेपर, आगे विराट से लिख देना, ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी बहुत बढ़िया डिस्काउंट के साथ। चलिए लाडो, आप शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। वीडियो ये है कि एसएससी जीडी से सीधा, तो अब मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा देता हूँ वीडियो के माध्यम से। देखो लाडो, अगर आप एसएससी जीडी से एनएसजी में जाते हैं, किसमें जाते हैं, एनएसजी में, तो इसकी प्रोसेस क्या है, यानी एसएससी जीडी के द्वारा आपको कितनी फोर्स मिलती है, 6-7 फोर्स ऑफर होती है, एसएसएफ को मिला ले तो 7, एनआईए को मिला ले तो 8। आप जिस भी फोर्स में आपको नौकरी मिलती है उसमें कम से कम आपको 5 साल नौकरी करना पड़ेगा, 1 साल ट्रेनिंग और साथ में 4 साल नौकरी। 5 साल की आपकी नौकरी बिल्कुल बेदाग होनी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का आपके ऊपर अनडिसिप्लिन या छुट्टी से लेट या आपका किसी प्रकार का जो सिविल है वो खराब नहीं होना चाहिए। अगर वो खराब नहीं है तो फिर आप एनएसजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके लिए एक फिजिकल टेस्ट होता है जो कि बहुत आसान होता है, 5 किलोमीटर की जो रनिंग होती है और ज्यादा नहीं, कोई 24 मिनट का समय आपको इसमें मिलता है। ठीक है, ये टेस्ट क्वालिफाई करो और कुछ वेम और कुछ डिप्स होती है वो लगाओ और आप एनएसजी में जा सकते हैं। फिर आपकी ट्रेनिंग होगी यहाँ 3 महीने की, इस 3 महीने की ट्रेनिंग आप कंप्लीट करते हो तब आप एनएसजी कमांडो बन सकते हो। ठीक है, 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, जिसको ब्लैकेट कमांडो भी बोलते हैं। ठीक है लाडो, ऐसा नहीं कि आप ट्रेनिंग में पहुंच गए एनएसजी कमांडो बन गए, नहीं, ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करना अनिवार्य है। अगर आप ट्रेनिंग में ब्रेक हो जाते हैं, आपको चोट लग जाती है किसी भी कारण से, तो आप एनएसजी कमांडो नहीं बन सकते। आगे है एसपीजी, ये तो आप एनएसजी में, फिर आप 5 साल डिप्टी से जाते हैं, उसके बाद में आप एसपीजी में जा सकते हैं। एक रास्ता तो सीधा ये है कि आप एनएसजी अगर 5 साल कर लेते हैं उसके बाद आप एसपीजी में जा सकते हैं। आपको एक चीज और बताऊं, कई बच्चे बोलते हैं सर एनएसजी की सीधी भर्ती आती है, नहीं आती है। एनएसजी में कैसे जाते हैं, यहाँ पर 55% जो जवान होते हैं वो होते हैं आर्मी के जवान या ऑफिसर सब, और 45% होते हैं वो होते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी सभी के जवान मिला। ऐसे मिलके 100% ये मतलब अडॉप्ट फोर्स है, इसमें कोई भी डायरेक्ट इसकी भर्ती नहीं आती है। ठीक है, सेम एसपीजी का रेशियो, सेम ये वाला रेशियो किसका है, एसपीजी का। हाँ, एसपीजी कमांडो के लिए और भी कई गाइडलाइन है इसके अलावा, कि उनके फैमिली मेंबर में किसी के केस नहीं होना चाहिए, या जब इंदिरा गांधी देश की पीएम थी उनके साथ में जो घटना हुई उसके बाद में सिखों को एसपीजी में लेने बंद कर दिया, यानी आज कोई भी सिख आपको एसपीजी में नहीं दिखेगा, जो पीएम के साथ में चलता है ना प्रोटेक्शन, उसमें कोई भी सिख नहीं दिखेगा। और जितने भी जवान इसमें लिए जाते हैं उनका पूरा डाटा चेक होता है भाई, चेक है उनका सिविल, उनके फैमिली का सिविल, और फिर एसपीजी में सिलेक्शन होता है। इतना ईजी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों को सुरक्षित करते हैं, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जो देश के मतलब मान के चलो कि जज, इसीलिए। दूसरा, आप इन फोर्स में 5 साल नौकरी करके फिर अगर डिप्टेशन डायरेक्ट एसपीजी में जाना चाहो तो भी हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद में कोबरा कमांडो, कोबरा कमांडो सिर्फ सीआरपीएफ के जवान ही बन सकते हैं। ठीक है, जो कोबरा कमांडो सिर्फ सीआरपीएफ के जवान ही बन सकते हैं, वो कब बन सकते हैं, वो ट्रेनिंग के जस्ट बाद में बन सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। आप 44वीं की जैसे ट्रेनिंग करते हो उसके बाद में कभी भी बन सकते हो, आपकी जब इच्छा हो, यानी डिमांड आती रहती है। आप अपना नाम दीजिए, फिर वहां पर एक फिजिकल टेस्ट होता है उसको पास करिए और कोबरा कमांडो बन सकते हैं, जंगल वॉरियर जिनको बोला जाता है। ठीक है, एनडीआरएफ में कैसे जा सकते हैं, एनडीआरएफ में आप किसी भी फोर्स में से इसमें जा सकते हैं, इसकी डिप्टीशन आती है, यानी हर साल इसकी वैकेंसी आती है फोर्स के अंदर ही, कि
कोई भी जवान एनडीआरएफ ज्वाइन करना चाहता है अपना नाम दो, वो नाम दे देते हो आप और आपको मौका मिल जाता है, आप एनडीआरएफ में जा सकते हैं। आरएएफ में सिर्फ सीआरपीएफ के जवान जाते हैं, तो ब्लू कलर की वर्दी होती है, रैपिड एक्शन फोर्स, इसमें जाने के लिए आपको सीआरपीएफ और कम से कम 5-6 साल की सर्विस इसमें भी चाहिए भाई। वीआईपी प्रोटेक्शन ग्रुप, ये भी सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है, इसमें भी जाने के लिए आप ट्रेनिंग के जस्ट बाद में भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो 2-3 साल बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाडला उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।